दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। राम मंदिर में आए चढ़ावे को सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। एक दिन में इतना चढ़ावा कहीं नहीं चढ़ा होगा। अयोध्या के राम मंदिर से केवल भक्तों का उद्धार नहीं हो रहा, बल्कि देश का भी कल्याण हो रहा है। राम मंदिर के बनने से भारत की GDP में भारी फायदा देखने को मिला है। दोस्तों, राम मंदिर में लगी भक्तों की भीड़ देखकर आप भी सोच रहे होंगे, ये भक्त कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं और मंदिर के बनने से देश को क्या फायदा हुआ। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर हम शुरुआती दिनों के आंकड़ों की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन मंगलवार को करीब 5 लाख और दूसरे दिन बुधवार को करीब 2.5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं इस दौरान जानकारी ये भी सामने आई कि इन दोनों दिनों में राम मंदिर में भारी चढ़ावा चढ़ाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि रामलला के दरबार में मात्र 2 दिनों में 3.2 करोड़ की रकम चढ़ावे के रूप में आई है। इसमें ऑनलाइन दिया गया दान भी शामिल है। अब आप सोच लीजिए, जब शुरुआती 2 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है तो एक हफ्ते में यहाँ कितना चढ़ावा आएगा। और ये तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उसका आंकड़ा है। बाकी सोने के मुकुट से लेकर सोने की चरण पादुका तक कई सारी चीजें भगवान श्री राम को चढ़ाई जा चुकी हैं, और अभी भी लोग सोने चांदी की कई सारी चीजें राम लला के लिए ला रहे हैं। बाकी जो पैसों का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा उसकी तो बात ही अलग है। और यही वजह है कि दान के लिए 10 काउंटर खोले गए हैं। अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर परिसर में दान प्राप्त करने के लिए 10 काउंटर खोले गए हैं। 2 दिन के अंदर इन काउंटरों पर और ऑनलाइन माध्यम से भारी चढ़ावा मिला है। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सभी को आसानी से दर्शन हो सके इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था भी की गई है। और दोस्तों, बात केवल चढ़ाने की नहीं है, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से देश को अलग अलग तरीके से फायदा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या आने वाले समय में ग्लोबल टूरिज्म हब बनेगा। तभी तो पिछले 5 सालों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। मंदिर बनने के बाद हर साल 3.5 करोड़ टूरिस्ट आने की उम्मीद है। इसी के साथ यहाँ पर नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मंदिर सिर्फ अयोध्या की भव्यता को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को भी बदल के रख देगा। यहाँ लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ भगवान राम और सीता के दर्शन के लिए आएंगे। भारत के GDP में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का कारोबार 2017 के 15.24 लाख करोड़ से बढ़कर साल 2028 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका 60% हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म का होगा। रिलीजियस टूरिज्म का कारोबार करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। पर्यटन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो गया है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। 2019 में यहां कुल 3.4 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं 2015 में 1.4 लाख, यानी कि पिछले 5 साल में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी बड़ा फायदा हो रहा है और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे राम मंदिर का क्रेज बढ़ेगा, लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। और अभी तो केवल राम मंदिर बना है, काशी और मथुरा में मंदिर बनने बाकी हैं।
और जब वहां पर मंदिर बनकर तैयार होंगे तो भारत का रिलीजियस टूरिज्म टॉप पर पहुंच जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट रखा। यहाँ भगवान श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का भी प्लान है, जिसको लेकर काम चल रहा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसके अलावा यहाँ क्वीन हो मेमोरियल, डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रामलीला संकुल, राम कथा गैलरी, ऑडिटोरियम समेत कई योजनाएं हैं जिन पर काम होना है। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर 5-स्टार होटल बनाने का भी प्लान है। अयोध्या के 84 कोस की सीमा में करीब 60 धार्मिक स्पॉट बनाने का प्रस्ताव है, जो करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा। ये 10 जिलों को जोड़ेगा। इसके साथ ही अयोध्या के 10 प्रसिद्ध तालाबों की मरम्मत की जाएगी। कई रेलवे ओवर ब्रिज बनाकर तैयार किए जाएंगे, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अयोध्या जो नया नया एयरपोर्ट बना है, वो तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे यहाँ पर बना शानदार एयरपोर्ट आने वाले समय में पर्यटकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। बाकी दोस्तों, अगर हम रोजगार के अवसरों की बात करें तो राम मंदिर के बनने के बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, नई नौकरियां मिलेंगी। जैसे देश के दूसरे मंदिरों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, उसी तरह यहाँ भी लोगों को फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 16,000 लोग काम करते हैं। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि ये मंदिर भी उसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मंदिर बनाने के बाद होटल वालों, दुकानदारों, फूल माला वालों, ट्रैवल एजेंसियों और दिए बेचने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ लोगों को अपने आप ही रोजगार मिल जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप कुल्लू, मनाली और गुलमर्ग जैसे इलाकों के रूप में भी देख सकते हैं, जहाँ लोगों की इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म ही है। और अगर आपको ये सब भी कम लग रहा है तो दुबई पर नजर डालिए। इस देश की तो आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर टिकी हुई है, यानी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन के साथ ही देश का उद्धार भी शुरू हो गया और धीरे धीरे ये और भी बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। जहाँ एक तरफ भक्तों को उनके प्रभु श्री राम मिल गए, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के आने के साथ ही देश का विकास भी शुरू हो गया। यानी कि मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाकर एक तीर से दो निशाने बना दिए हैं, और दोनों ही देश के हित में। जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।